भगवान ने कहा आप जाओ और वो परिस्थितियां ठीक हुई, सुग्रीव को राजा भी बना दिया। भगवान ने कहा कि अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव अंगद के सहित राज्य करना, पर उस कार्य को याद करना जिसके लिए जन्म हुआ है या हम तुम्हारे पास आए हैं उसको याद रखना। हाँ आप आराम से, हमें याद है। याद क्या है, 6 महीने रहे भगवान प्रवर्षण पर्वत में, सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं गए कि हालचाल ठीक ठाक है कि नहीं है, न पूछने जाते, किसी से पूछवाते। अंत में राम जी को कहना पड़ा सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। बाधाएं देखो, आप एक बाधा की बात कर दे, कितनी बाधाएं जिनके लिए कलंक सहा भगवान ने बाली को मारकर, और उसी ने भगवान को भुला दी। बड़ा क्रोध आया, मार डालूंगा उसको, मेरे पास बाण है जिससे बाण बाली को मारा है। लक्ष्मण जी हंसे कि चलो खुशी इस बात की आपको क्रोध आया, तो आता ही नहीं था, लेकिन आप मार डालोगे। हाँ जरूर। बोले कब मारोगे? बोले कल। लक्ष्मण जी बोले इसीलिए तो हंसी आ रही है, क्रोध आ जा रहा है, मारेंगे कल। तो कहो तो हम आज ही मारे आए, कल का काम आज ही करें। भगवान ने समझाया मारना नहीं, डरा देना, पर उतना ही डराना कि भाग ना जाए, यहां आ जाए, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसके बाद देखो सुग्रीव आए तो आते ही अपनी मानना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने क्या बोले, बोले हमारी कोई गलती नहीं। पर गलती किसकी? गलती महाराज कह दे सही बात, किसकी गलती? किसकी? आपकी माया की, आपने माया ही ऐसी बनाई। अतिशय देव प्रबल तो माया, यही न मोह को जग जाया। लक्ष्मण जी बोले ये विचित्र आदमी, इसकी प्रवचन की आदत नहीं जाती, पहले भी बातें कर रहा था, फिर बातें कर रहा, अब फिर माया कहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आ तो जाता है, भूलता तो है लेकिन फिर भी याद आ जाए। इसका अर्थ है परिस्थिति को दो दृष्टियों से देखना, कि जितनी प्रतिकूलता है उतना नहीं, जितनी अनुकूलता है उतना देखो। अच्छा मैं आपको बताऊं, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब कई मेधावी इतने बड़े बड़े माननीय महापुरुषों के चरित्रों को भी जरा सी बात कहीं पकड़ लेंगे तो फिर उसी का खंडन। तुम जिन्हें इतना मानते हो उनमें क्या है? तुम जिन्हें इन्हें मानते हो क्या? दो कौड़ी और ये, अरे ये, और लोग कहते सही कह रहे, कुछ सही नहीं कह रहे। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हो, और उन्होंने ऐसे कहा जैसे बड़ी खोज करके आए हो, बहुत शोध करके। तो हमने कहा कहते क्या युधिष्ठिर धर्मराज हैं? बोले धर्मराज है, धर्मात्मा तक नहीं। और धर्मात्मा तो जाने तो हमें तो इन्हें अच्छा आदमी भी नहीं कहेंगे। हमने कहा क्यों? बोले किस काम का आदमी, जो जुआ खेल जाए, और जुए ही नहीं खेले, वो पत्नी को दांव पर लगा दिया जुए में, और उनको आप धर्मराज कहते हो, इसमें क्या क्या विशेषता है बताओ, ये कोई अच्छी बात है? अब उन्होंने ऐसे घेरा था हमें जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही ना हो, और उनके साथ जितने थे, अरे साहब ये बिना पढ़े लिखे लोग, इन्हीं को ऐसी बुद्धू मिल जाते हैं, उनको प्रचार प्रसार करते, काय इन लोगों की बातों में पड़े, कुछ नहीं, काय का युधिष्ठिर, काय का धर्म, कुछ नहीं। और आज के जमाने में कौन मानेगा? हमसे बोला बताओ बताओ। हमने कहा हम तुमसे एक बात कहें, बोले बोलो। हमने कहा स्कूल में पढ़ते? बोले हाँ पढ़े लिखे हैं तब तो बात कर रहे हैं। हमने कहा मान लो किसी विषय का कोई विद्यार्थी इम्तिहान दे और वह 100 नंबर का पर्चा हो, और उसमें 100 में उसके 100 नंबर ना आए, 75 आए, मान लो 25 ना आए, तो फेल माना जाएगा कि पास? तो बोले पास माना जाएगा, और अच्छे अंकों से पास माना जाएगा। हमने कहा क्यों माना जाएगा, 25 तो नहीं? बोले उससे क्या फर्क पड़ता, 75 तो है, और इसीलिए वो पास पास पास। हमने कहा भाई यही हम कह रहे हैं, युधिष्ठिर धर्मराज धर्मराज धर्मराज। बोले वो जुआ खेल गए और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया 100। हमने कहा उतने नंबर काट लो, बाकी से धर्मराज है। आपको जो गड़बड़ी लग रही है उतने नंबर काट लो,
सौ में सौ नंबर मत दो। पर लोग बोलते ही ऐसे हैं जैसे उन्होंने जिंदगी भर यही किया हो और कुछ किया ही ना हो। ये हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल, हम तिल पर ताल खड़ा करते हैं। अरे ठीक है, वह भी एक पक्ष है। वो इतिहास तो यह बताता है कि सुमति कुमति सबके उर राय, यह तो हमारा सदग्रंथ स्वीकार करते हैं, उसमें क्या कठिनाई है। इसीलिए भगवान के सोचने का ढंग क्या है कि हाँ गलत है सुग्रीव, लेकिन इस गलत के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनका भी उपयोग है, ठीक है, कोई बात नहीं। यह राम जी की सोच है और सबको और संगठन इसी तरह का, इसी तरह किया जा सकता है। नहीं तो आप अगर दोष देखते जाएंगे तो कौन है जो निर्दोष मिले। हाँ यह देखें कि उस दोष के पक्ष के अलावा गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों का सदुपयोग करें। इसी तरह हम इतिहास में महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, अवतारों के चरित्र पढ़ें और जो ग्रहणीय है उन्हें ग्रहण करें और जो ग्रहणीय नहीं है वे न चर्चा का विषय है न चिंतन का विषय है, अपना ठीक है। मैं ये कहता हूं भगवान को चढ़ाने के लिए छोड़ो, अपना श्रृंगार करने के लिए भी कोई माला बनाना चाहे फूल लेकर आए तो कौन ऐसा है जो फूलों के साथ कांटे भी तोड़ कर लाता है। फूल चुन लेते हैं, कांटों को छेड़ते नहीं और जानते हैं कि कांटों में ही फूल खिलते हैं, तो ये क्यों नहीं समझ लेते कि जहां गुण है वहां दोष होंगे, दोषों में ही, दोषों के कांटों में ही गुणों के फूल खिलते हैं। इसलिए दोषों के कांटे छोड़कर गुणों के फूल संग्रहित करके अपना श्रृंगार करो और भगवान की सेवा पूजा करो, संतुष्ट करो। जाए राम जी ने कहा अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। देखो भाई भगवान फिर आगे बढ़े, बंदरों को भेजा हनुमान जी पता लेकर आए। अब फिर वही बात है, पता लग जाना एक बात है, प्राप्त कर लेना दूसरी बात है। शांति का पता लग गया पर शांति मिले कैसे। राम जी सब बंदरों को संगठित करते हैं, इसका अर्थ है चित्त की समस्त चंचल वृत्तियों को पहले एकाग्र करना। अजय हनुमान जी के सहारे पहुंचे हैं शांति तक। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो यही तो होगा, पवन पुत्र के सहारे पहुंचे हैं, है ना। तो अपनी चंचल चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके पवन माने श्वास के साथ, पवन के साथ उस शांति तक पहुंचे जो इस पार नहीं उस पार बैठी हुई है। इस पार नहीं, देह के तट पर नहीं, देही के तट पर नहीं, वैदेही के तट पर, उस पार। अच्छा उस पार का संदेश लाया कौन, हनुमान जी। ये गुरुजन हैं जो इस पार आते तो हैं पर संदेशा उस पार का लाते हैं, ये संत। हम परदेसी फकीर काहू दिन याद करोगे, यह है उस पार का संदेश लेकर आए। अनुभूति इन्हें उस पार की है, अभिव्यक्ति इस पार की है, हनुमान जी है। गए समुद्र पर पुल बनाने के पहले विभीषण जी आए, भगवान ने विभीषण जी को अपनाया, पुल बनाया, पत्थरों का पुल, पार हुई सेना। भगवान फिर भी अंगद जी को भेजते हैं कि शायद समझ ले, बहुत समझाया अंगद जी ने पर वो नहीं समझा। एक बोला रावण क्यों नहीं समझा, इतना समझदार था, पढ़ा लिखा था।
अरे हमने कहा जाने तो, जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं समझते तो दस खोपड़ी वाला कैसे समझ जाए, उसके तो खोपड़ी खोपड़ी है। इस खोपड़ी में एक तर्क उठे उसके दस खोपड़ी दस तरह के तर्क उठे, और इतने पूरी की पूरी प्रतिभा उसने लगा दी, खर्च कर दी नहीं मानने में। और इसीलिए इसका नाम ही खो पड़ी, खो दिया, इसीलिए तो पड़ी है, मिला क्या। अच्छा एक बात और आपने देखी, ये सीता जी का हरण कर लाया और सीता जी राम जी की है, ये जितने खोपड़ी वाले हैं खुद तो शांत रह नहीं सकते, दूसरों को शांत रहने नहीं देते, दूसरों की शांति हरण करके लाते। अच्छा और जितने खोपड़ी वाले ये ज्ञानाभिमानी हैं, रावण सीता जी से कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो, ये लोग भी श्रद्धा से कहते हैं, भक्ति से कहते हैं कि भगवान की जगह हमें स्वीकार कर लो, भगवान को मत मानो हमें मानो, यही तो है। रावण नहीं माना, युद्ध शुरू हुआ। अब ये तो कैसे, उतरावन एत राम दुआर, उतरावन एत राम दुआर, उतरावन एत राम दुआर, जयति जयति परि लड़ाई उत रावण एक राम, रावण एक राम दुआ, उत रावण एक राम, इत राम इत राम दुआ, उतरावन एक राम, उतरावन राम दुआई, उतरावन एक राम, रावण एक राम, रावण एक राम, उधर रावण इधर राम जी, जयति जयति कर परी लड़ाई आरंभ होगा। यही सदगुण दुर्गुणों का युद्ध। लेकिन एक बात है, बंदरों की विजय क्यों हुई, बंदर सदगुण राक्षस दुर्गुण। अच्छा बंदर अकेले नहीं जीत सकते थे, भगवान साथ में। इसका अर्थ यह है कि जो सदगुण भगवान को साथ लेकर व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं वे ही सदगुण दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दुर्गुणों के साथ अभिमान है, सद्गुणों के साथ भगवान है, इसलिए सद्गुणों की विजय हुई, दुर्गुणों की पराजय हुई। यही श्री राम और रावण युद्ध का आशय है।